हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिना और आप लोग देख रहे हैं बिना टेक। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हाउ टू चेंज गैस डिलीवरी एड्रेस ऑफ इंडियन गैस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोगों को गूगल में सर्च करना होगा LPG, और ये जो फर्स्ट वेबसाइट है इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो राइट हैंड साइड में तीन गैस कंपनी का फोटो होगा, भारत गैस, HP गैस और इंडियन गैस। आप लोग जिस कंपनी का गैस यूज़ करते हो उस कंपनी गैस के फ़ोटो के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे इंडियन गैस यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इंडियन गैस के ऊपर क्लिक करूँगा। और आप लोग देख सकते हो ये रहा इंडियन गैस का ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप लोग देख सकते हो साइन इन और रजिस्टर। अगर आप लोग न्यू अकाउंट ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोग को रजिस्टर पे क्लिक करना है। अगर आप लोग अकाउंट ओपन कर चुके हो तो यहाँ पे आप लोग को साइन इन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप लोग को यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है। और आप लोग देख सकते हो ये जो गैस बुकिंग है ये मेरे पापा का नाम पे है। तो राइट हैंड साइड में आप लोग देख सकते हो मेरे पापा का नाम और उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाता है, माय प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड और लॉग आउट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को माय प्रोफाइल पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पूरा डिटेल आ जाता है। और यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हो एड्रेस, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो करेंटली प्राइमरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को चेंज ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो address 1 address 2, यहाँ पे आप लोग को अपना एड्रेस एंटर करना है। और फिर नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिलेक्ट वन प्रूफ ऑफ एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इतना सारे डॉक्यूमेंट है, आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हो। जैसे मान लो मैं दे रहा हूँ आधार कार्ड। ठीक है, तो आधार कार्ड में यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आप लोग को आधार नंबर एंटर करना है। ठीक है, कोई भी आप लोग एड्रेस प्रूफ दे रहे हो तो उसका नंबर यहाँ पे आप लोग को एंटर करना है और फिर आप लोग को सबमिट बटन पे क्लिक करना है। और ये विद इन 10 to 15 days में ये एड्रेस आपका चेंज हो जाता है अगर आपका सब डॉक्यूमेंट सही है। और इसमें इसके बाद आप लोग को एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिलता है, उसको आप लोग स्नैपशॉट लेके आप लोग रख सकते हो ताकि फर्दर यूज़ के लिए काम आ सके। मैं नेक्स्ट स्टेप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अपडेटेड एड्रेस है। तो ये मैं बता रहा था अपने सब्सक्राइबर लोग को कैसे आप लोग इजीली अपडेट कर सकते हो घर बैठे एड्रेस को। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।